हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नाउन मींस संज्ञा के बारे में। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है नाउन यानी संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी जानता है कि संज्ञा जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, या फिर आपने बचपन से पढ़ा होगा कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। ठीक है, तो ये जैसे अलग अलग जब हम अलग अलग स्टैंडर्ड में जाते हैं, जैसे हम हायर स्टैंडर्ड्स में आते हैं तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी उस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल डेफिनेशन लिया है इसका, देखिए क्या है। ए नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं कि नाउन होता क्या है। देखिए, नाउन जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी विचार के बारे में बताता है। इसको संज्ञा भी कहा जाता है। ये हिंदी हो गया इसका, नाउन मीन्स संज्ञा होता है। अब देखिए, अब नाउन और हम इसके बारे में और क्या जानते हैं, नाउन और हमें क्या बताता है। तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट फंक्शंस एज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज लिविंग क्रीचर्स, प्लेसेस, एक्शंस, क्वालिटीज, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और आइडियाज़। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ पर्सन प्लेस और थिंग। एवरी थिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ वर्ड, दैट वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। यानी जो भी चीज़ें हम देखते हैं हमारे आसपास, जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हम आसपास अपने देखते हैं, ये सब संज्ञा से संबंधित यानी संज्ञा होता है। ये देखिए, ये एक संज्ञा जो है ये एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है। जो कुछ भी हम देखते हैं या बात करते हैं वह एक शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। अब विशिष्ट वस्तु यानी कोई एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में, या कोई भी, जैसे हमने बताया था अभी आपको, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तु का जो भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भी कुछ हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसमें, जैसे कि जीवित प्राणी, स्थान, कार्य, गुण या स्थिति या विचार, ऐसी चीज़ें जो आती हैं वो सब संज्ञा कहलाती हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए, बुक हो गया, जॉय है, राज, दिल्ली, ब्यूटी, एलिफेंट, जॉय, जस्टिस एक्सेट्रा। इनमें हम बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। अब किसी थिंग का नाम आ गया, किसी पर्सन का नाम आ गया, किसी प्लेस का नाम आ गया, यहाँ पर ब्यूटी ये भी एक नाउन हो जाता है, फिर एलिफेंट, जॉय, जस्टिस, ये सारी जितने भी एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं ये सारे नाउन के एग्जांपल्स हैं, देन एक्सेट्रा। अब देखिए, हम इसी में देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के जो टाइप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। इन पाँचों में देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और फिर आता है मटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इन पांचों के बारे में अगले दूसरे वीडियोस में आपको विस्तार से बताया जाएगा डिस्क्राइब करके। तो पहले हम शॉर्ट में जान लें, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं इनमें जनरल नेम्स होते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि यहाँ कोई पर्टिकुलर नेम आ जाता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना यानी किसी चीज़ का समूह होना, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन्स के में जो आते हैं वो किसी चीज़ के कलेक्शन से संबंधित होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट विच कांट बी सीन, इट कैन ओनली बी फील, वी कैन फील ओनली दिस थिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये भाव प्रकट करता है, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। मटेरियल मीन्स द्रव्य या पदार्थ होता है, तो मटेरियल से हो जाता है द्रव्य यानी मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये किसी वस्तु से संबंधित होता है। इसका आप नोट्स बना सकते हैं कॉपी में, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो इसमें, कोई चीज़ जो नहीं समझ में आ रही हो, तो इस पूरे में से आप इसको पूरा स्टडी पर कर सकते हैं, नोट्स इसका बना लीजिए। कोई चीज़ ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।